चलें जी आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मुर्गियों को आज़ाद करते हैं। अब भाई ये पिजन्स की, तो इनको खोल देते हैं। चलो जी आ जाओ आप लोग भी। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं आज ही पिजन। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे और आपके परिंदे भी ठीक होंगे। तो जी पानी ठंडा है, सबसे पहले पानी गिरा देते हैं। ठीक है जी, तो सुबह का टाइम है, मौसम कुछ ऐसा है। सही है जी। और कवर शवर किया हुआ था, रात को हुई थी बारिश, तो बारिश की वजह से वैसे भी कवर रखते हैं, सर्दियाँ हैं तो कवर किया हुआ था इनको सारा। उनके केजेस भी कवर थे, इनके केजेस भी कवर थे, तो अब इनको खोला है। तो ये देख लें, सारे कबूतर घूम रहे हैं, इनको घूमने देते हैं। और मैं फैंसी पिजन्स का केज भी खोल लूँ, फिर मैं वीडियो कंटिन्यू करता हूँ। लें जी फैंसियों का केज भी खोल दिए, तो फैंसी कबूतर भी बाहर आना स्टार्ट हो गए। तो मैंने हल्की सी धूप निकली है, तो मैंने सोचा कि धूप शूप लगवा लें अभी अपने आप को, तो सर्दियाँ वैसे भी ठंड ज़्यादा है, तो धूप शूप लग जाएगी तो इनको ये भी थोड़े रिलैक्स हो जाएंगे। सही है, बाकी ये अंदर ही घूम रहे हैं, इनको बाहर आने देते हैं। सही है, ये देखिए ये माशाल्लाह दुपट्ठा। और सामने वो जोड़ा लगाने के लिए कबूतर बंद किए थे, उनको भी खोल देते हैं। सही है, तो उनको खोल देते हैं, फिर मैं आगे बताता हूँ आपको क्या करेंगे आज हम। ये जोड़ा बंद किया हुआ था, ये ब्लैक आईज में जो पट्टी उड़ती है अपनी, ब्लैक दुम वाली, और वफादार कबूतर साथ इनका जोड़ा बना रहे थे, तो इनको बंद किया हुआ था। तो बाकी अल्लाह खैर करे बन जाएगा जल्दी जोड़ा। और एक बैड न्यूज़ है, वो जो इधर बच्चा था रेड कबूतर का, वो बच्चा मर गया है, आज मर गया था, तो उसको भाई ने मतलब दुबा दिया है बाहर जाके ज़मीन के अंदर। तो बस यही सीन है, बाकी उधर वाले बच्चों का आज देखते हैं, अंडे शंडे भी देखते हैं उनके क्या सीन है, बच्चे कब निकलेंगे, निकलने वाले हुए हैं नहीं हुए हैं, क्रैक श्रैक कोई अंडों पे आया है कि नहीं आया, वो भी देखते हैं। मुर्गी देखें जी, मुर्गी इसलिए अंदर आई हुई है जी, दूसरी मुर्गी है ना जो, वो इसको बड़ा मारती है, तो इस वजह से बेचारी डर के अंदर आई हुई है। तो कबूतर भी इसे डर रहे हैं, और मुर्गी से डर रही है, वो सील मुर्गी है जो ब्लैक वाली, वो बड़ा मारती है इसको। तो बाकी कुछ कबूतर धूप में चले गए हैं, कुछ कबूतर इधर बैठे हुए हैं, तो मेरा माइंड है आज इनको नहाने का भी मौका दिया जाए, पानी शानी रखे हैं, नहाए शहाएँ, धूप में बैठे हैं फिर। पर धूप इतनी अच्छी लगी नहीं हुई, मैं कहता हूँ थोड़ी सी ज़रा धूप लग जाए तो फिर ज़रा ये हो जाएगा, कबूतर अच्छी तरह साफ़ हो जाएंगे। तो वैसे भी सर्दियों में इग्नोर ही किया करें नहाने से कबूतरों को, नहलवाया ना करें इनको ज़्यादा। तो चलते हैं जी दूसरे केज में, अंडे शंडे चेक करते हैं, अंडों का क्या सीन है। ले जी मैं केज के अंदर आ गया हूँ, तो ये इधर अपने फैंसी भी घूम रहे हैं सारे, तो इधर देखते हैं लक्की शक्की ने कोई अंडे शंडे दिए हैं कि नहीं दिए, अब बच्चे निकाल लें नहीं। ये देखें जी, ये सबसे छोटा अंडा है इसका, दूसरा अंडा देखें और वो पहला अंडा देखें, पहला अंडा बहुत छोटा है, तो क्रैक श्रैक तो नहीं आया, पर जल्दी अंडे बच्चे निकलने वाले हैं इसके। ठीक है, इस कबूतरी के बड़ी जल्दी बच्चे निकलने वाले हैं लक्की के, तो मतलब दो चार दिनों में आ जाके दो चार वीडियोस में ये बच्चे निकाल देगी इंशाल्लाह ताला। और फिर देखेंगे जी कैसे बच्चे निकलते हैं इनके, और इधर वालों का भी देखने क्या सीन चल रहा है, मार रही है मुझे, इधर भी अंडे ही हैं जी, बच्चा शच्चा कोई नहीं है इनका भी, तो देखते हैं अब बच्चे निकल आएंगे इंशाल्लाह जल्दी। तो कबूतर ज़रा मौज में आ गए हैं, वो देखें लक्का जोड़ा बैठा हुआ है उधर जाके साइड पे, ये देखें
ये लक्का बैठा हुआ है अपना, बाकी सारे कबूतर तकरीबन धूप में आ गए, मस्तियाँ शस्तियाँ कर रहे हैं। और मुर्गा देखें वो घूम रहा है ऊपर, मुर्गी पता नहीं किधर है, वो दूसरी मुर्गी को ढूंढ के मारेगी। तो आज कबूतर भी नहीं उड़ रहे, बादल साफ हैं, बिल्कुल क्लीन है, सारे कबूतर मस्तियाँ शस्तियाँ कर रहे हैं। देख लीजिए धूप माशाल्लाह से बड़ी प्यारी होगी, अब देखें आसमान कितना साफ हो गया, मज़ेदार सा VIP सा मौसम हो गया है। तो ये मुर्गियाँ देखेंगे कबूतरों को तंग करती हैं, फिर इस वजह से इनको बंद करते हैं। ये बड़ा तंग करती है। ये सील मुर्गी तो इसके पीछे पीछे ही रहती है कि इसको मारूँ मैं किसी तरीके से। और देखिए अंदर चली गई इसको मारने, ये मुर्गा भी पीछे गया। और ये कबूतर उड़ रहे हैं किसी के, उसमें से वो ऊपर भी कबूतर उड़ रहे हैं, कोई नया कबूतर होगा तो अपने कबूतर खुले हैं तो वो खुद ही अपनी छत पे आ जाएगा। ये कबूतर आया हुआ है छत पे, ब्लैक बल्लों में कलपरची ऐसा बच्चा है, बाकी यही सीखना है जी। और लाल कबूतर का बच्चा जो था वो पिछली वीडियो में आपने देखा होगा, बेचारा कितना बीमार था, तो वो जी आज मर गया है। ठीक है, तो उसके माँ बाप दोबारा अंडों पे आ गए हैं, वो बैठे हुए हैं दीवार के ऊपर। तो बस ये आजकल में अंडे उतार देगी फीमेल दोबारा से इंशाल्लाह। ये देखे, ये बाकी सारे कबूतर ये घूम रहे हैं। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, जो दोस्त चैनल पे नए हैं वो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ। बाकी यही थी आज की वीडियो, मुझे पता है छोटी सी वीडियो है, तो कोई इतनी ख़ास वीडियो नहीं थी, पर फिर भी मुझे पता है आप लोगों ने लाइक शेयर मार देना, कमेंट शमेंट मार देने हैं, तो फिर वीडियो खुद ही अच्छी बन जाएगी। ये देखें जी ये कबूतर नीचे आ गया, खुद ही आया है जी, तो उतर रहा है, शायद आ जाए, इधर को निकल गया। तो पता नहीं वो निकल ही गया जी किसी साइड को, उतर रहा था, उतरता उतरने निकल गया। तो वीडियो को बंद करते हैं यहाँ पे, मिलेंगे कल न्यू वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।